आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर इस मृत्युलोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो आज का ये सुंदर मंगल प्रभात यह भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर इस मृत्युलोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का आध्यात्म के साथ का संबंध धर्म के साथ का संबंध इस विषय पर ही आगे बात करूंगा कुचिपुड़ी नृत्य कला की एक नृत्य पूजा का प्रकार ऐसा है कि जिसमें पूरा शरीर थाली पर लिया जाता है जिसे कहा जाता है तरंगम शरीर के साथ दिव्य शक्ति स्थान जिस पे काम केंद्र नाभि केंद्र से नीचे नाभि केंद्र, छाती का मध्य केंद्र कंठ केंद्र चार ऐसे स्थान जो स्थान अगर हम डिसेक्शन करें शरीर का तो उसमें जो मिल सकता है हमें शारीरिक तल पर तो वो मिल सकती है अलग अलग प्रकार की ग्लैंड्स कि जिससे शरीर की जो अलग अलग शक्ति के साथ जुड़ी हुई प्रक्रिया है उसका नियंत्रण ये चारों स्थान पर होता है लेकिन जब ये चार स्थान से ऊपर आप चलते हो ऊपर की दिशा में जैसे कि तीसरा नेत्र तो आता है दो भ्रमर के बीच फिर इससे आगे ऊपर की ओर जाते हैं तो मस्तिष्क का मध्य भाग या ऐसा समझो कि जहां ब्राह्मीण चोटी रखता था पुराने समय में आप अगर नारद का चित्र देखोगे या जो ब्राह्मीण जहां चोटी रखी जाती थी वो जो स्थान है उसे कहा जाता है सस्त्रार चक्र और उसके पास एक होता है एक केंद्र जिसे कहा जाता है शिव केंद्र जिससे वैश्विक सत्य के संपर्क में जीव आता है ये तीन स्थान ऐसे हैं कि अब अगर खाली बायोलॉजिकल डिसेक्शन किया जाए शरीर का तो आपको इसमें शारीरिक तल पर कुछ मिलने की बहुत संभावना नहीं <coughs> लेकिन जैसे जैसे आप अपने भीतर परिचित होते जाओगे अपने प्रदेश से परिचित होते जाओगे आपको पता चलेगा कि <coughs> ये सारे शक्ति के दिव्य स्थान है और दिव्य स्थान का एक विज्ञान में कहूं जब आप शक्ति के ये जो स्थान है उस उस पर प्रयोग करोगे जैसे कि मैं कहता हूं नाभि के नीचे का केंद्र काम केंद्र प्रारंभ में आपको पता नहीं चलेगा आप खाली नाभि से नीचे दृष्टि ले जाओ अपने आप आपकी दृष्टि जहां काम केंद्र है वहां आ जाएगी अपने आप क्योंकि जहां नाभि से केंद्र नाभि से नीचे जो केंद्र सक्रिय है वही ध्यान खींच लेगा अपने आप खींच लेगा जब आप नाभि पर ध्यान करोगे तो जो केंद्र है अपने आप आपकी दृष्टि आपका ध्यान उधर स्थापित हो जाएगा अपने आप खाली आप ले जाने का प्रयत्न तो करो नाभि केंद्र या छाती का मध्य केंद्र है तो छाती का मध्य केंद्र के पास आप खाली ध्यान ले जाओ एक बार अपने आप जहां सक्रिय केंद्र है छाती के मध्य के जो भाग है हृदय चक्र है अपने आपका आप, ध्यान उस केंद्र पर आ जाएगा तो अब धर्म की यात्रा है, है। इसमें पहुंचना है कंठ चक्र से ऊपर तीसरे नेत्र पर अगर आप ठीक से ध्यान के अभ्यास की गहराई में जाओगे आपको पता चलेगा कि अगर आप अपनी दो आंख तीसरे नेत्र के ऊपर आप ध्यान करो विचार संभव नहीं कल्पना संभव नहीं संभव ही नहीं ठीक से आप ध्यान की गहराई में जाओगे या इसको समझने का प्रयत्न करोगे विचार का इतना ही अर्थ है विचार जब हमारे भीतर कोई दृश्य बनता है इसका अर्थ है कि अभी हमारी आंख में मूवमेंट चालू है आंख के जो आंख की पुतली है वो अभी उसकी मूवमेंट चालू है और आंख की पुतली की जो मूवमेंट है वो ब्लड सर्कुलेशन के साथ जुड़ती है जिस तरह से हमारे भीतर ब्लड रुधिर बहता है उसकी जो धड़कन आती है सांस चलती है ये सारे कंपन आंख की जो पुतली है उसमें कंपन लाते हैं और ये कंपन से असंतुलित हो जाती है जो आंख की पुतली की रेखा है उसमें आंख की पुतली असंतुलित हो जाती है इसीलिए हमारे भीतर दृश्य का सर्जन होता है या विचार बनते हैं जिसे निर्विचार अवस्था में जाना है विचार से ऊपर कल्पना से ऊपर मन से ऊपर जाना है उसे आना पड़ेगा तीसरे नेत्र पर तो तीसरे नेत्र का जो ध्यान है जैसे जैसे आप जाओगे तीसरे नेत्र पर ध्यान करके देखोगे आपको पता चलेगा कि यहां कोई विचार में खोना संभव नहीं इस प्रदेश को धर्म की भाषा में अगर हम कहें तो हरिद्वार कहा जा सकता है यहां से तुम्हारे भीतर धर्म की यात्रा का प्रारंभ होता है तुम स्वयं में प्रविष्ट होते हो अपने में जो हमारे भीतर अपना केंद्र है उसमें तुम इस स्थान से प्रविष्ट होते हो अब आप ठीक से समझ सकोगे कि अगर कोई चीज को हमें ऊपर ले जाना हो शक्ति को अगर हमें ऊपर ले जाना है तो शक्ति को हल्की करनी पड़ेगी जितनी शक्ति शुद्ध होती जाएगी <clears throat> तीसरे नेत्र से नीचे की जो शक्ति है वो जितनी शुद्ध होती जाएगी हल्की होती जाएगी उतना आपका तीसरे नेत्र पर का जो ध्यान है वो फलीफूत हो <coughs> उसके परिणाम आ सकते हैं फ्रूटफुल हो सकता है वो ध्यान अब आप अलग अलग समय पर देखना समझ लो कि आपने भोजन लिया है आपका पेट भारे है पेट में गैस है एसिडिटी है ऐसी तकलीफ है पेट असंतुलित है आप तीसरे नेत्र पर ध्यान करके देखना पेट साफ नहीं हुआ ठीक से आपको पता चलेगा ध्यान नहीं लगेगा इतना विचार आएगा इतने विचार से आप गिर जाओगे कि बादल छा जाएंगे भीतर विचारों के बादल छाएंगे तो आप तीसरे नेत्र पर पहुंच नहीं पाओगे ठीक से <coughs> आपकी आपका शरीर जितना शुद्ध समझ लो आपका पेट साफ हो गया है शरीर में कोई और गड़बड़ नहीं है शांत है शरीर जैसे कि सुबह का समय आपका स्नान हो गया आपकी एक्सरसाइज हो गई आप अलग अलग प्रकार से तीसरे नेत्र पर जब भी समय मिले आपको ऐसा आप तीसरे नेत्र पर ध्यान ले जाकर देखना कि क्या होता है अगर आपका उसकी एक निशानी मैं आपको कह दूं, अगर आपका शरीर तीसरे नेत्र से नीचे की शक्ति शुद्ध है शांत है आपका ध्यान तुरंत तीसरे नेत्र पर लग जाएगा आराम से आप लगा सकते हो और इसका समय भी बढ़ा सकते हो लेकिन तीसरे नेत्र से नीचे जो केंद्र है जो मैंने कहे काम केंद्र है पेट है नाभि केंद्र है हृदय चक्र है कंठ चक्र है अगर इसमें अशुद्धि है कोई गड़बड़ है भारे भारे है, हैवीनेस है तो आपका ध्यान तीसरे नेत्र पर नहीं लगेगा खींच जाएगा आपका ध्यान नीचे की ओर आप स्वयं अनुभव करके ये देख सकते हो अब जो धीरेन्द्र मुनि का जो दृष्टिकोण था वो ऐसा था कि अगर शरीर को थिरकाओ पूरा थिरकन दे दो शरीर को हिलाओ थिरकन का अर्थ है शरीर को पूरा कंपन दे दो इतना कंपन कि पूरा शरीर कंप जाए इतना कंपन दो अगर पूरे शरीर को तो शरीर पूरा ऑक्सीजनेटेड हो, हो जाएगा जो तीसरे नेत्र के नीचे जो शारीरिक चक्र है शारीरिक चक्र का इतना ही अर्थ है जहां ग्लैंड आती है बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल स्तर पर हम देखें तो जहां जहां ग्लैंड है अलग अलग प्रकार की ग्लैंड तो वो जो ग्लैंड है वो शारीरिक है तो जो शारीरिक भाग है उसे ऑक्सीजन की जरूरत है साफ करने के लिए बाहर से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और कंपन चाहिए जितना कंपन आप कंपन में लगो उतना भीतर का शरीर साफ होता जाएगा और हमेशा याद रखो धर्म का अर्थ है स्वयं की यात्रा कोई नकल नहीं किसी की नकल नहीं समझ लो कि आप सौ व्यक्ति साधना कर रहे हो सबकी अपनी अपनी मंजिल है अपने अपने अपना अपना शरीर है अपनी अपनी शक्ति है आपकी सबकी अपनी यात्रा है आप अपनी यात्रा करते 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 आप आए हो तो किसी को किसी की नकल में जाने की जरूरत नहीं मैं तो खाली विज्ञान कहता हूं कि समझ लो कि एक छोटा बच्चा है तो मैं उसका शरीर मुझसे ज्यादा एक्टिव होगा वो ज्यादा कंपन कर सकता है शरीर में कंपन पैदा कर सकता है अगर वृद्ध शरीर है तो उसका थिरकन इतना ज्यादा नहीं होगा नहीं कर सकता और जरूरत भी नहीं एक बात हमेशा याद रखो आप जो कर सकते हो शारीरिक तल पर जितना शरीर को एक्टिव कर सकते हो उतना एक्टिव करो ये जरूरी है। ताकि आपके भीतर वायु ज्यादा मिले फेफड़े आपके ज्यादा स्ट्रांग हो मजबूत हो आपके आपका जो फेफसा है फेफड़ा है उसकी सरफेस मैं देखता हूं जैसे जैसे मनुष्य जीवन जीता है मनुष्य खास करके आज आज इतना हम बजारू खुराक खाते हैं, इतना बजारू और मनुष्य का इस बात पर ध्यान नहीं कि हम कितना हमारा जो शरीर है वो बिगड़ता जाता है हम बाहर के जो तेल खाते हैं बाहर का घी तेल मसाला उससे हमारे जो चक्र है वो पूरे गड़बड़ हो जाते हैं जैसे कि फेफड़े की सरफेस है तो हम ज्यादा तेल खाओगे आप ज्यादा घी खाओगे और एक उम्र के बाद मोनम तो आपकी जो फेफसा की सरफेस है उस पर घी का जो स्तर है फैट का स्तर आने लगेगा तो जो शरीर है वो ठीक से ऑक्सीजन वातावरण में से ग्रहण नहीं कर सकेगा भीतर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है भीतर के लिए जरूरी नहीं भीतर काम हो गया ऑक्सीजन गया भीतर शुद्धि हो गई अब भीतर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर फेंकना है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं फेंका जाएगा अगर आपका फेफड़े की जो सरफेस है वो <clears throat> उसका पूरा स्तर है वो अगर ठीक से साफ नहीं उस पर फैट जमा है तो आपका वो स्तर काम नहीं करेगा और धीरे धीरे क्या होगा फेफ ऑक्सीजन ठीक से ग्रहण भी नहीं कर सकेगा और भीतर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर भी नहीं फेंका जाएगा क्योंकि आज का आप जीवन देखो आज का जीवन ऐसा हो गया कि हमारे शारीरिक हम भूल ही गए कि कि शरीर शरीर को को जरूरत है कसरत की एटलीस्ट एक घंटा आप और युवा में तो एक घंटा कुछ भी नहीं सुबह का एकदम एक्टिव एक्सरसाइज चाहिए आपको कि जिससे आपके फेफड़े मजबूत हो सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे वृद्धत्व की ओर जाओगे अगर ऐसा वैसा आपने युवा में खाया है तो आपके फेफड़े नबड़े हो जाएंगे वीक हो जाएंगे तो वो पूरा ऑक्सीजन ग्रहण भी नहीं कर सकेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी नहीं फेंक सके तो इससे पूरा शरीर धीरे 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 जो विषाक्त पदार्थ है वो शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे जब तुम साधना में उतरो तब ये बात ठीक से ध्यान में लो कि पसीने से अगर दुर्गंध आ रही है आपके पसीने से दुर्गंध आ रही है साधक की तो आप एक समझो कि अभी ठीक शुद्धि नहीं हो रही है और जब तक ठीक से शुद्धि नहीं होगी आप ऊपर नहीं आप शक्ति को ऊपर नहीं उठा पाओगे आप भीतर के भीतर का जो दर्शन है या भीतर की जो गति है उसको ठीक से प्राप्त नहीं कर सकोगे तो देखते रहना है कि शरीर में से जब शरीर में से दुर्गंध आती है कोई बार से परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं दुर्गंध को पहचानो कि इस तरह की दुर्गंध मेरे शरीर से आ रही है उसका इतना ही कारण है कि अभी शरीर में योग्य प्रवाही की कमी है आपके शरीर में योग्य पानी की पानी नहीं जा रहा है आपके भीतर <coughs> और दूसरा है कि आपका शरीर पूरा नहीं नहीं हो रहा है। पूरा नहीं मिल रहा है है पूरा पूरा ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल मिलेगा तो भीतर का जो कचरा है वो जलता जाएगा तो पसीने से दुर्गंध अपने आप जाएगी कोई परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं साधक को वैसे भी जब आप साधना में उतरते हो तो भीतर से जैसे 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 शुद्धि बढ़ेगी आप एक अलौकिक सुगंध के संपर्क में आ सकते हो ये इसकी निशानी है कि आपकी साधना योग्य दिशा में जा रही है अगर आप बाहर के परफ्यूम ज्यादा यूज करोगे तो जो आपकी इंद्रिया है जो कोमल इंद्रिया है भीतर की नाशिका की कि जो हल्की सी उसे मालूम हो सकती है वो सुगंध ग्रहण करने वाले कोष है वो अगर ज्यादा परफ्यूम आप यूज करोगे ज्यादा आर्टिफिशियल सुगंध अगर आप उसका छंटकाव करोगे बॉडी पर वो नष्ट हो जाएगी उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी तो देखना यह है कि अगर पसीने से दुर्गंध आ रही है तो आपको ठीक से श्रम करना है अगर युवान हो तो, तो पूरा दौड़ो खेलो और बाहर निकालो रोज का रोज पसीना बाहर निकलना चाहिए सुबह में जंप मारो स्ट्रेचिंग करो ताकि भीतर का जितना जितनी अशुद्धि है वो बाहर निकल जाए समझ लो कि आपके शरीर से वायु निकलता है उत्सर्ग पदार्थ निकलता है मल मूत्र निकलता है अगर उसमें भी दुर्गंध आ रही है तो उसका इतना ही अर्थ है कि भीतर कुछ गड़बड़ है ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा पूरे आंत को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए मुख से लेकर लास्ट तक जहां से मल निकलता है मल द्वार तक वहां तक ऑक्सीजन चाहिए तो प्रॉपर एक्सरसाइज खोजनी है जितनी भी शरीर की क्षमता है उतनी एक्सरसाइज आपको करनी है ताकि ये शुद्ध हो सके <clears throat> तो जो धीरेन्द्र योगी की कुचिपुड़ी में नृत्य कला में दृष्टि थी वो ये थी कि अगर शरीर को थिरका थिरकाया जाए कंपन दिया जाए तो जो शारीरिक जितने भी शारीरिक तल पर जो शक्ति के केंद्र है वो साफ हो सकते हैं सब और नृत्य कला समझो कि जब मैं अलग अलग लोगों से मिलता था और ऐसी बात होती थी तो मैं उसको नृत्य का कहता था तो वो कहते थे क्या हम एक्सरसाइज से ये सॉल्व नहीं कर सकते एक्सरसाइज एक्सरसाइज से जरूर आप कर सकते हो लेकिन जिम की एक्सरसाइज नहीं एक्सरसाइज कौन सी दौड़ना कूदना आपके फेफड़े को ज्यादा ऑक्सीजन मिले जिम की एक्सरसाइज क्या करती है है बाहर के मसल्स को विस्तार देती है। लेकिन भीतर आपका शरीर शुद्ध नहीं होता क्योंकि मैं स्वयं निकला हूं इस एक्सरसाइज से दोनों प्रकार की एक्सरसाइज से निकला हूं जैसे युवान शरीर आप खड्डा खोदो लकड़ियां काटो इस तरह का जो श्रम है दौड़ो कूदो नाचो स्ट्रेचिंग करो यह श्रम है वो ज्यादा ऑक्सीजनेटेड करेगा शरीर को तो वो लोग मुझे पूछते थे कि क्या हम एक्सरसाइज करें तो नहीं चल सकता एक्सरसाइज से जरूर चल सकता है लेकिन नृत्य उससे भी आगे है क्योंकि नृत्य में कलात्मक भाग आ जाएगा सृजनात्मकता बढ़ने लगेगी जैसे आप नृत्य में उतरते जाओगे और नृत्य का अर्थ में ऐसा नहीं कहता कि आपको कुचिपुड़ी सीखना है कथक सीखना है भरतनाट्यम सीखना है ऐसा नहीं है आप जीवन की जो भी सृजनात्मक दृष्टि है जीवन जीने के लिए सृजनात्मक दृष्टि है आपके भीतर क्रिएटिव एनर्जी है वो अपने आप बढ़ती जाएगी स्वरूप पकड़ती जाएगी हो सकता है कि आज तक आपको कथक में रस न हो लेकिन ऐसा हो सकता है कि आगे जैसे आप काम करते जाओगे काम करते जाओगे आपका रस बढ़ सकता है कि मैं जानू ताल क्या होता है मैं जानू संगीत का राज क्या है मैं जानू नृत्य का राज क्या है और इस पृथ्वी पर अनेक कलाकार है अनेक सब में कला है सब मनुष्य में कला है किसी की दबी हुई किसी की प्रगट प्रगति हुई किसी में प्रगट हो गई किसी में अभी दबी हुई है बाहर नहीं आया चित्रकार अभी नृत्यकार बाहर नहीं निकला अभी शिल्पकार बाहर नहीं निकला तो ये जो तुम्हारे भीतर क्रिएटिविटी है सृजनात्मक शक्ति है वो नृत्य से बढ़ सकती है कसरत से इसको मैं ऊपर का तल दूंगा क्योंकि कसरत में व्यायाम है उसके द्वारा जो भावात्मक भाग है वो इतना बाहर नहीं आएगा लेकिन मैं तुम्हें जो दिखाता हूं कुछ नृत्य के प्रकार उस संगीत से आप परिचित होते जाओगे ताल से परिचित होते जाओगे तो आपके भीतर का जो भाव जगत है वो भी बहुत ऊंचाई पकड़ता जाएगा आप शुद्धि का अनुभव करते जाओगे तो नृत्य ऐसी कला है जिसमें व्यायाम तो आ ही जाता है व्यायाम उसका एक भाग ही है शारीरिक तल पर का व्यायाम जो है वो तो इसका भाग है ही तो जो धीरेन्द्र मुनि ने एक भाग ऐसा दिया कि जिसमें शरीर को थाली पर ले लिया थाली पर उसका एक कारण ऐसा था समझ लो कि मृदंग बज रहा है तो वो ऐसा चाहते थे उसका दृष्टिकोण ऐसा था तुम्हारे पांव में कितनी जान है अगर मृदंग वाला हाथ से मृदंग को जीवित जीवित कर देता है और आप ठीक से देखना अगर आप परिचित न हो तो तबला कभी सुनना तबला है अगर आप बोलो धा तबले वाला बजा देगा धा तबले पर आप बोलो दिन तो तबला बोलेगा दिन अगर जाकिर हुसैन का तबला सुनो तो तबला तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे शब्द बोल रहा है और ऐसा ही होता है कि ताल है उसमें धा दिन ना दिन तो तुम्हें तबला बोलेगा बोलेगा प्राण तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे तबला जीवंत है पखावत जीवंत है जैसे जैसे आप संगीत की गहराई में डूबोगे जाओगे आप देखो भारत में क्या क्या नाद में प्रयोग हुए पखावज है तबला है नाल है कितने गहरे प्रयोग हाथ से जान डाली जा सकती है तबले में और तबले में से आवाज निकल सकती है तिरेंद्र मुनि की दृष्टि थी कि अगर हाथ में इतनी जान है तो पैरों से नहीं किया जा सकता था ये ये पैरों से नहीं इसकी आवाज निकाली जा सकती ये अलग अलग स्टेप से तो ये काम होता ही है भरतनाट्यम में ही होता है। हर जो नृत्य है उसकी अपनी विशेषता है शास्त्रीय नृत्यों की अपनी विशेषता है उसका विज्ञान है अपना एक विज्ञान है गहरा विज्ञान और विज्ञान और कुछ भी नहीं विज्ञान इतना ही है कि तुम शरीर की शक्ति का सर्जनात्मक उपयोग करो शरीर ऐसे ऐसे रखो मत जिस तरह से हम कार ली है तो हम कार से घूमने जाते थोड़ा कार लेकर हम गैरेज में रख देते हैं इस तरह से शरीर इस जिसकी मृत्यु निश्चित ही है जो सत्य के रास्ते पर काम करते हैं उसको मैं दृष्टिकोण दूंगा कि तुम पूरा शरीर की शक्ति मृत्यु आए उससे पहले पूरा का पूरा शरीर उपयोग कर लो कुछ बचाने से कुछ बचेगा नहीं तुम्हारा शरीर कुछ बचेगा नहीं देखो ठीक से आप तुम शरीर को पूरा प्रज्वलित करो पूरा श्रम से कसरत से पूरा प्रज्वलित करने का प्रयत्न करो बचने का प्रयत्न न करो जो बचा समझो मरा यह भी मेरा वाक्य नहीं ईशु का वाक्य है। ईशु कहते थे अपने शिष्यों को जो इस जगत में बच रहा है वो मर जाएगा मैं फिर से याद दिला दूं ईशु के वचन जो इस जगत में बच रहा है देखना आप मर जाएगा और जो मरने को निकला है बच जाएगा और मरने का अर्थ है मैंने मृत्यु नहीं लगाया देखो खाली मृत्यु पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स मृत्यु तो सब जगह है हम यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन में ले जाते हैं महामृत्यु अहंकार भी अच्छा रहेगा कि हम मृत्यु का अभ्यास नहीं कर रहे महामृत्यु का अभ्यास महामृत्यु का अर्थ है यमराज क्या लेके जाएगा चलो हमारे पास से तब हमें पकड़ना है नचिकेता को नचिकेतना नंगा खड़ा रहेगा यमराज के सामने कि चलो आ जाओ मैं तैयार हूं इस तरह की दशा हमें प्राप्त करनी है मृत्यु से पहले और जो शरीर मर ही जाएगा ठाठड़ी में बांध कर ले ही जाएंगे हमें जलाएंगे नहीं तो पानी में डुबा देंगे पानी में डुबा नहीं देंगे तो कब्र में डाल देंगे लेकिन डाल देंगे ये बचेगा नहीं तो शरीर जब धर्म के साथ तुम कोई भी बात जोड़ते हो साधना जब शब्द लाते हो साधना का अर्थ है तपश्चर्या साधना के लिए एक शब्द दिया गया तपश्चर्या तब का अर्थ है गर्मी गर्मी का गर्मी लाओ के कहां से गर्मी में क्या तुम्हें जलाना है तो गर्मी में तुम्हें जलानी है फैट कोलेस्टेरोल जो पचा के बैठा है हृदय की जगह और हृदय की नहीं पूरे शरीर की तो उसको शरीर को पूरा प्रज्वलित करना है ये सारे शास्त्रीय नृत्य शास्त्रों का सार था कि जो दब गया इसलिए मैं ये बोलता हूं ये दब गई बात ये भूल गए कलाकार ये बात भूल गए आज भी देखो आप, आप कलाकारों से मिलो बड़े बड़े कलाकार नृत्यकार चुक गए इतना शरीर बड़ा हो सकता ही नहीं आप फैटी कैसे हो गए पेट बड़ा कैसे हो गया इतने ताल पर अगर आपको नृत्य करना है इतना लंबा नृत्य आपका शरीर इतना बेडोड़ हो ही नहीं सकता मैं तो कहता हूं आप नृत्य मत करो खाली नृत्य में आपका भीतर का रस है क्योंकि मैंने स्वयं ने यह बात जानी अपने शरीर में तो भी आपका शरीर बड़ा नहीं हो सकता आपका पेट आपकी तोंद बड़ी नहीं हो सकती सप्रमाण ही शरीर रहेगा यह बद सकता ही नहीं क्योंकि ये तो नृत्य शास्त्रीय नृत्य का केंद्र है जिस पर आप काम कर रहे हो ये शास्त्रीय नृत्य का केंद्र था तो जब भी धर्म के साथ तुम कोई भी बात जोड़ते हो उसमें आएगा शरीर को सक्यतम प्रज्वलित करना देखो शरीर साधन इसको नींद भी चाहिए शरीर के साथ जड़ता नहीं ये भी बात साथ में ध्यान रख लो शरीर के साथ जड़ता का व्यवहार भी नहीं शरीर को भूख लगेगी तो खाना भी चाहिए शरीर को ठंड लगेगी तो उसे गर्म कपड़ा भी चाहिए लेकिन साथ में यह भी समझो कि अगर आप ठीक से शरीर के साथ काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी शरीर की फरियाद नहीं फरियाद आपके भीतर है शरीर की इतनी मांग है ही नहीं अगर ठीक से आप शरीर को प्रज्वलित करोगे तो मैं एक जादू कहता हूं आपकी मांग गिरने लगेगी आप स्वयं में इतने प्रसन्न रहोगे खाली सुबह में एक घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज खोजो जिसमें शरीर पूरा प्रज्वलित कर सको शाम को सोने से पहले ऐसा एक घंटा निकाल लो जिसमें शरीर को पूरा पूरी ताकत से उसके पास से काम लो देखो कौन सी निराशा आपको छूती है कौन सा ऐसा भाव है नकारात्मक जो आपके भीतर घर कर सकता है एक भी नहीं मैं मेरे अनुभव से कहता हूं सुबह में एक घंटा जब सूर्य प्रकट हो रहा है शाम को एक घंटा जहां सूर्यास्त हो रहा है शरीर को प्रज्वलित करो और सारे जो नृत्य शास्त्र था उसका संदेश था कि शरीर को प्रज्वलित करो यहां तक कि देखो धीरेन्द्र मुनि कहते धीरेन्द्र मुनि का दृष्टिकोण था कि थाली दे दो नृत्यकार को तो जितना जितनी जान हाथ में है जो नाल बजा रहा है उस वो जो आवाज पैदा कर रहा है क्या नृत्यकार इतनी आवाज प्रकट कर सकता है जो सन्यासी काम करते थे नृत्य के माध्यम से अंतर यात्रा करने की तो उसका दृष्टिकोण था कि दे दो इसे ताल तो उसमें क्या होता था यह भी बात को समझ लो कि एक नाल पर एक, एक ताल बजा ताल बजाया नाल पर एक आवर्तन बजा तक तकिट तक धीमी तक इट तक धीमी तक 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 इट तक धीमी समझो ऐसा कोई भी बोल आया नाल पर अब आती थी नृत्यकार की बारी उसे पैर से वो ही आवाज पैदा कर सकता है कि नहीं तो उसे अपना सारा ध्यान समझो एक तो उसे सुनना पड़ता था श्रवण अगर ठीक से श्रवण नहीं किया होगा कि क्या ताल था तो पैरों से क्या खाक करेगा वो तो पहले तो उसे श्रवण पर जाना पड़ेगा कि क्या ताल बजाया इसने जब एक समय था जब इस तरह से दोनों के बीच संगत होती थी कि संगीतकार एक लाइन गाए कुछ भी एक स्वर में गाए एक लाइन नाल वाला है वो वही का वही ताल पे बजाए या जो ताल देने वाला है मुंह से कि तक तक धीमी तकिट ऐसा कोई भी ताल दे अब आती है नृत्यकार की बारी तो उसने जो ताल बजाया वो पैरों से प्रकट कर सकता है कि नहीं थाली के ताल से वो प्रकट कर सकता है कि नहीं तो ये जो ध्यान की गहराई पाने के लिए जो नृत्य के साधक थे उसने ऐसा ऐसी तरकीब खोज दी कि चलो इससे ध्यान को गहराई में लिया जा सकता है जो नृत्य की साधना में लगे हुए हैं और पैरों में जान आ सकती है जो पैर आप देखना जरा जैसे जैसे आप संसार में जब घूमो रहो देखो कि शरीर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है शिथिल होता जा रहा है ढीला 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 कुछ उपयोगी नहीं खाना पीना सोना बस और फरियाद करना दुख की लंबी लंबी बस और कुछ भी नहीं शरीर का या धर्म की बातें इसने ऐसा किया उसने ये कहा है इसने त्रिनेत्र पर यह थियोरी दी है इसने ये थियोरी देखो आप जरा घूमो आप धर्मों के अलग अलग समुदाय में जाकर रहो कि क्या हो रहा है देखो कहां शरीर प्रज्वलित हो रहा है जब ठीक से मनुष्य का शरीर प्रज्वलित होगा इतना झगड़ा संभव ही नहीं दो संप्रदायों के बीच तुम्हारा शरीर प्रज्वलित ही नहीं है तुम्हारी सारी शक्ति पड़ी है मन में अहंकार रूप तो तुम किसी भी विषय पर अहंकार पकड़ लेगा कि मेरा गुरु ये तेरा गुरु ये मेरा गुरु ये कहता है तेरा गुरु ये कहता है ये सारी बातें हैं आप गुमो जरा देखो क्या हो रहा है समुदायों में क्या हो रहा है ध्यान की विद्या बुद्ध पुरुषों ने दिए तुम भूल गए तुम चुकोगे देखो उसमें तुम नहीं उतरोगे गए रहे वो एक बाजू पड़ेगी वो टैप बदती होगी सक्रिय ध्यान की और तुम लेक्चर देते होगे और दो सन्यासी मिलते हैं देखना कौन किसको सुनता है जिस तरह से दो स्त्रियां मिलती है कोई किसी को नहीं सुनती इस तरह से दो सन्यासी मिलते हैं वो भी एक दूसरे को सुनते नहीं वो आपको लगता है कि सामने वाला तुम्हें सुन रहा है नहीं सुन रहा वो देखता है कि ये महाराज कब बंद हो तो मैं मेरा ज्ञान प्रकट करूं देखो जरा तो धर्म तुम्हारा क्या हो गया खाली बात हम तैरने की बात कर रहे हैं शास्त्र ऐसे है हमारे कि बस तैरने की बात करो तैरने की बात करने से तुम्हें तैरना नहीं आएगा तुम्हें जाने पड़े, जाना पड़ेगा पानी में डूबने जैसा भी लगेगा नाक में पानी भी घुस जाएगा लेकिन अगर तरना सीखना है तो पानी में जाना पड़ेगा और तुम तो संसार सागर अगर तरने की बात करते हो परम मुक्ति की बात करते हो तो इसमें तो पूरा प्रकट करना पड़ेगा शरीर को शरीर की शक्ति को शरीर स्वयं संचित शक्ति जब तक शरीर प्रज्वलित नहीं होगा तुम निर्विचार नहीं हो सकते करो प्रयत्न निर्विचार हो ही नहीं सकते निर्विचार के विचार अनेक आएंगे लेकिन तुम निर्विचार नहीं हो सकते ध्यान के विचार चलेंगे त्रिनेत्र के विचार चलेंगे त्रिनेत्र के सर्व सिद्धांत तुम याद कर पाओगे लेकिन त्रिनेत्र को नहीं खोज पाओगे जब तक तुम भीतर से पूरे शुद्ध न हुआ त्रिनेत्र से नीचे के जो सेंटर है ऐ, ऐसे समझो तुम्हारा पूरा शरीर जब तक पूरा नकम पे पूरा प्राणवान न हो तब तक तुम्हारी शक्ति शुद्ध होके ऊपर नहीं जा सकती तब तक बाष्प नहीं बन सकती हंड्रेड डिग्री ही चाहिए पानी के लिए समझो हंड्रेड डिग्री से नीचे आप पॉइंट वन भी ला लो वो पानी बाष्प नहीं होगा उससे हंड्रेड डिग्री ही चाहिए तभी वो पानी छोड़ेगा धरती को ऊपर चलेगा तुम्हें लगता है कि तुम साधना में गति नहीं हो रही है तो मेरी बात को ठीक से सुनना कि तुम शरीर को ठीक से प्रज्वलित करते हो देखना पूरा दिन कि शरीर जब धर्म की यात्रा शुरू होती है सत्य की यात्रा शुरू होती है इसमें एक बात याद रखो शरीर साधन है उसे आराम चाहिए उसे सोना चाहिए लेटना चाहिए 180 डिग्री जरूर चाहिए आराम चाहिए लेकिन आलस्य नहीं लेजीनेस नहीं लेजीनेस मन क्रिएट करेगी लेजीनेस और लेजीनेस खाली मगज में नहीं होती लेजीनेस का विष तुम्हारे पूरे शरीर में आता है शरीर की संवेदना शरीर का भाव और विचार ये तीन अलग नहीं स, तीनों साथ साथ सरकेंगे त्रिशूल ये तीनों को एक साथ पकड़ना है एक दंड से तीनों को पकड़ना है इसलिए लेजीनेस नहीं शरीर को आराम चाहिए आराम करवाओ उसे कि नहीं अभी कमर दुख रही है मुझे आडा पड़ना पड़ेगा मन के अभी थक गए आडा पड़ना पड़ेगा लेकिन लेजीनेस नहीं तो जो तरंगम था उसका एक भाग ऐसा था कि पैर में जान आनी चाहिए अगर नृत्य की साधना से आप उठना चाहते हो तो नृत्यकार के पैर में जान होनी चाहिए और मैं ये वक्तव्य जब मुझसे निकलता है तो मैं ये रहस्य भी कह दूं कि इस पृथ्वी पर बहुत से ऐसे नृत्यकार हैं जो अभी नृत्य में अभी प्रकट नहीं हुआ या वो ठीक से जानते नहीं नृत्य कला कोई दिखाने की कला थोड़ी है जब तुम आध्यात्म के साथ कला को जोड़ते हो उसका पहला ही जो केंद्र है वो है तुम स्वयं देखने वाला तुम्हारे भीतर परमात्मा वो उसका प्रेक्षक सुनने वाला परमात्मा स्वयं बाकी ऑडियंस कोई भी नहीं तो ये कलाएं कोई ऑडियंस में प्रस्तुत करने के लिए नहीं थी हां ये बात जरूर था कि इस कलाओं से प्रेरणा मिल सकती है इस कला कला से रचनात्मक प्रेरणा मिल सकती है मनुष्यों को कि ना इस तरह से शरीर का उपयोग किया जा सकता है <clears throat> तो ये दृष्टिकोण था फिर ये जो तरंगम था इसका एक और विज्ञान था जिसमें पूरा शरीर थाली पर आ जाता है अब यहां एक रहस्य है हमारा जो शरीर होता है उसके उसके आसपास एक विद्युत होती है खास प्रकार की विद्युत जिसे तुम कहते हो ओरा या समझो कि विद्युत प्रकाश अब जिस तरह से हमारे भीतर अलग अलग जो शक्ति के केंद्र है मुख्य सात, वो जैसे 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 प्रज्वलित होते जाएंगे तो जो उसका प्रकाश है उसमें अखंडित प्रकाश प्रारंभ होगा और उसका आकार होगा अंडाकार उसका ठीक से आप समझ सकते हो क्योंकि समझ लो कि नाभि के नीचे जो काम केंद्र है समझ लो कि दिया है आप दिए की ज्योत देखो तो दिए की ज्योत राउंड नहीं है ठीक से आप देखना दिए की जो ज्योत है वो अंडाकार है पूरी और समझ लो कि ये सात दिया है जब जैसे 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 प्रकट हो, होता जाएगा आपकी पूरी जो विद्युत है वो अंडाकार घूमेगी अंडाकार अब ये विद्युत तुम्हें जब लगता है कि जीवन में दुख आया पीड़ा आए आय, आई संताप आया इसका अर्थ है कि तुम्हारी जो अंडाकार विद्युत है सब में होती है ऐसा नहीं कि ये किसी एक व्यक्ति में ही होती है सब में होती है लेकिन उसका जो प्रागट्य है उसकी जो प्रज्वलितता है वो अलग अलग हो सकती है जिस तरह से भीतर के शक्ति केंद्र जिस तरह से प्रज्वलित होंगे इस तरह से इसकी आभा बढ़ सकती है और ये अंडाकार होगी ये पूरी विद्युत तो तरंगम का एक विज्ञान ऐसा था कि अगर आप ठीक से पैर को थिरकाओ ठीक से तरंग थाली पर अगर थ, पैर को थिरकाया जाए तो जो शक्ति केंद्र प्रकट होंगे शक्ति का शक्ति के जितने केंद्र है वो प्रकट हो जाएंगे और शक्ति का जो केंद्र प्रकट होगा तो तुम तुम्हारी जो पूरी विद्युत है वो अंडाकार नृत्यकार महसूस कर सकता है अपने भीतर दर्शन कर सकता है कि अब मेरी विद्युत अंडाकार होगी अब <coughs> मैं सिंपल कर दूं ये बात ऐसा जरूरी नहीं कि तुम थाली पर नृत्य नहीं करते तो तुम्हारी विद्युत अंडाकार नहीं होगी यह बात नहीं है यह वन ऑफ द मैथड मैं तुम्हें कहता हूं अलग 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 बहुत से मनुष्य है इस पृथ्वी पर सबको अलग अलग मेथड काम आ सकती है तो वन ऑफ द मेथड यह थी कि इस तरह से भी शरीर की विद्युत को अंडाकार किया जा सकता है अब यह बात समझना कि अगर तुम्हारी विद्युत अंडाकार हो गई ठीक से विद्युत प्रज्वलित हो गई उसकी निशानी क्या है आनंद उल्लास प्रसन्नता प्रेम उदारता करुणा ये सारी उसके प्रागट्य तुम भीतर तुम्हें किसी से पूछने नहीं जाने पड़ेगा गुरु को पूछने नहीं जाना पड़ेगा कि गुरु जी मेरी विद्युत अंडाकार हो गई या नहीं ये रोज देखो तुम कोई भी प्रक्रिया मैं यहां करवाऊं चलो पूजा प्रार्थना प्रेयर बंदगी क्या तुम्हारा परमात्मा का अल्लाह का तुम पर आशीर्वाद वर्षा की नहीं तुम किस तरह से पता चलेगा कि तुम्हारी बंदगी स्वीकार की अल्लाह ने कि नहीं की तुम्हारी प्रेयर गॉड ने ले ली या नहीं ले ली सुनी कि नहीं सुनी तुम्हारी प्रार्थना परमात्मा ने सुनी कि नहीं सुनी क्या निशानी है तुम अलौकिक आनंद पाओगे अलौकिक तुम्हारी प्रार्थना से पहले जो मन की स्थिति थी मुंह से बगा से निकलते थे, थे वो प्रार्थना के बाद नहीं होगा शुद्धि हो जाएगी पूरी तुम्हारा शरीर शुद्ध हो जाएगा तुम आत्मा में प्रविष्ट हो जाओगे अंदर अवकाश हो जाएगा तुम्हें जो प्रार्थना से पहले मोहनम मुझे दुश्मन लगता था लेकिन ठीक से प्रार्थना की तो अरुणा को लगेगा ना मोहनम में कुछ नहीं है खराबी जो खराबी है वो राक्षस मेरे भीतर ही बैठा था नफरत का वो पूरा शुद्ध हो गया तो मोहन चाहे ना देवड़ में चला जाए क्या बात है जाएगा वो देवड़ में चला जाए थाली लेकर मंदिर में चली जाती हूँ हम दोनों साथ निकलेंगे उसकी रिक्शा देवड़ की ओर चली जाएगी मेरी मंदिर की ओर चली तो कोई तुम्हें दुश्मन लगेगा ही नहीं इसकी निशानी और अगर ऐसा न लगे तो तुम समझना कि अभी शुद्धि नहीं हुई पूरी भीतर अभी दुश्मन है राक्षस अभी मरा नहीं भीतर का राक्षस बच गया तो उसकी निशानी कितनी सुंदर देखो कोई लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं तुम्हारे आसपास इर्द गिर्द सारे लोग हैं अगर ईर्ष्या उठे समझो प्रार्थना की गहराई अभी आई नहीं अहंकार उठे अभी पीड़ा है दुख है फरियाद है तो समझो प्रार्थना के बाद अगर बहु दुश्मन लगती है तो सांस की प्रार्थना परमात्मा ने सुनी नहीं पहुंची नहीं कृष्ण के पास कृष्ण भक्ति हुई माला फेरी लेकिन पहुंची नहीं कृष्ण ने आज देखा नहीं तुम्हारी सब परमात्मा के ऊपर डाल दो हमारी क्या हमने तो की थी प्रार्थना उसने सुनी नहीं तो हम क्या कर जाने दो परमात्मा के ऊपर देखेगा वो <coughs> तो ये इसके निशानी है कि अगर तुम ठीक से विधि करते हो कोई भी फिर वो ध्यान की हो विधि का नाम तुम अलग 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 दे सकते हो लेकिन सारी विधियों में ठीक से देखना ये है परिणाम देखना परिणाम क्या हो रहा है तुम्हारी समझ बढ़ रही है समझ का अर्थ है दो विचारों के बीच का अंतर वो बढ़ रहा है क्योंकि जैसे जैसे तुम काम करते जाओगे ठीक से और अलग अलग विधियां तो ठीक है प्रारंभ में दी जा सकती है कि किसी भी दरवाजे से तुम्हें अंदर घुसाया जाए ये गुरु की चाल है फिर अंदर तुम देखोगे सब एक ही हो गए कोई फर्क नहीं पड़ता आप घूमो जरा ठीक से घूमो सारे लेबल दूर करके घूमो मुस्लिम के साथ मुस्लिम हो जाओ हिंदू के साथ हिंदू हो जाओ सिख के साथ सिख हो जाओ ईसाई के साथ ईसाई हो जाओ ठीक से देखो कि कौन सच्चा मुस्लिम मिला तुम्हें पृथ्वी पर कौन सा सच्चा हिंदू मिला जिसका शंकराचार्य जैसा लेवल हो या जिसका मुस्लिम में मोहम्मद पैगंबर जैसा लेवल हो या क्रिश्चियन में कौन पहुंचा चलो यीशु के लेवल तक कौन पहुंचा या कौन गुरु नानक हुआ चलो सिखों में से उसकी स्थिति किसने पाई तुम घूमो जरा लेबल को दूर कर उसके जैसे हो जाओ उसके साथ रहो तुम्हें पता चल जाएगा क्या हो रहा है तो विधि तुम कोई भी करो परिणाम तो देखो कि इस डॉक्टर की हम दवा ले रहे हैं तो मोडे पर का सोजा जा रहा है कि नहीं जा रहा क्योंकि जो ताजा एग्जाम्पल होता है वो मैं पहले ले तो जब हम काम करते हैं इतने तो तुम कोई डल नहीं सबके सब, सब मनुष्य इतने होशियार हो तो जरा ये तो देखो कि हम पूजा कर रहे हैं इतने सालों से वो भी एक दिन की बात नहीं साल तो हम इस जन्म का याद है जब हमें याद आएगा तब पता चलेगा वो हम कुत्ते थे तब से आरती सुन रहे हैं हम वृक्ष थे मंदिर के आप अभिमान ले सकते हो ये जो पीपल का वृक्ष था मंदिर के घुमट पर आता था वो मैं था जब केराला का उद्भव हुआ तो धर्मानंद उसमें औषधि का वृक्ष था जैसे वो ध्यान की गहराई में जाएगा तब उसे पता चलेगा कि मैं ये वृक्ष था जिससे सर्दी मिट सकती थी। तब से हम आरती सुनते आए हैं बंदगी सुनते आए हैं प्रेयर सुनते आए इतनी यात्रा करते आए चलो उसको जाने दो एक तरफ क्योंकि पूर्व जन्म बाद में देखेंगे पहले तो इस जन्म की बात कर लेगी जहां से हमने प्रेयर चालू की प्रार्थना चालू की बंदगी चालू की वो तो पुरानी बात हो गई डायनेमिक मेडिटेशन <laughs> नाद ब्रह्म, नटराज ध्यानम विपश प्रेक्षा ध्यान ये जब से हमने प्रारंभ किया एक साल हुआ दो साल हुआ तीन साल हुआ चार साल हुआ पांच साल हुआ अब तो करीब आ गई मृत्यु यमराज तैयार लेने को तो अब तो देखो कि इतने सालों से हम इतनी विधि करते आए तो ये सारे गलत बता दी या क्या हो गया जिसे हम मानते थे कि ना ये गुरु पहुंचा हुआ है या तो वो पहुंचा ही नहीं था क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो पहुंचा पहुंचा हुआ गुरु हो वो विधि बताए और हम एनलाइटन ना हो जाए ऐसा कैसे हो सकता है तो जरूर गड़बड़ गुरु में थी अब गुरु खोजा किसने क्योंकि गुरु भी तुमसे नीचे तो हो ही नहीं सकता जिस यूनिवर्सिटी में तुम विद्यार्थी रह चुके हो उस पे गुरु प्रिंसिपल होगा गुरु तुम्हें पूछेगा कि गुरु को चुना किसने इस तरह से शिष्य गुरु पर डालेगा गुरु शिष्य पर डालेगा लेकिन यह बात ठीक से समझना कि विधि जरूर तुम करो लेकिन यह तो देखो कि तुम्हारा प्लेन उड़ रहा है या अभी एरोड्राम पर तुम घिस रहे हो अभी तुमने प्लेन तो चल रहा है कि वो भी अभी खड़ा है सालों से हम प्लेन में बैठे हैं कि प्लेन कभी तो उड़ेगा तो अब तो यमराज लेने को आए यमराज भी टाइम देता है कि चलो एक साल और देता हूं तुम तुम्हारी भक्ति ठीक से कर लो उपवास जाप जो करते हो ठीक से कर लो बंदगी प्रेयर डायनेमिक मेडिटेशन जो करना चाहते हो कर लो एक साल के बाद मैं आऊंगा चलो लेने के लिए तो हमें यह देखना है कि विधि हम करते हैं और क्या देखना है कोई लेबोरेटरी चेकिंग बड़ा नहीं कि तुम्हें शास्त्र उठलाने पड़ेंगे कि जीसस ने क्या कहा कुछ नहीं कहा चलो जीसस <laughs> जीसस के वचन शिष्यों ने लिखे जीसस थोड़ा बैठा था किस तरह से पता चलेगा तुम स्वयं तुम भूल गए अपने को तुम्हारा हृदय कह देगा चलो कोई व्यक्ति बात कर रहा है वो सच्ची बात कर रहा है या तुम्हें गुमराह कर रहा है तुम्हारा आत्मा कह देगी चलो तुम्हें तुम ठीक से सुनो अपने भीतर तुम्हारी आत्मा कह देगी कि, कि यह बात ठीक नहीं हो रही ये कुछ गुमराह करता है सच्ची बात नहीं कहता क्योंकि जो भी सत्य वचन कहता है जो बुद्ध जो प्रभु जो कहता है कि मैंने सत्य जान लिया तो सत्य तुम्हारा और तुम्हारा और मेरा अलग नहीं हो सकता सत्य पर किसी का दावा नहीं चल सकता कि मैंने ही खाला सत्य जाना तुम नहीं जान सकते सत्य नहीं चल सकता ऐसा नहीं जैसे कि जैन थियोरी है वो है कि 24 से पच्चीस बार तीर्थंकर नहीं हो सकता ये भी समझो ये बात जरूर सच है कि पच्चीसवा तीर्थंकर नहीं हो सकता लेकिन कौन नहीं हो सकता जो जैन मार्ग से आगे जा रहा है वो पच्चीसवा तीर्थंकर नहीं माना जाएगा क्योंकि वो हो ही नहीं सकता उस मार्ग से आगे नहीं जा सकते आप पच्चीसवा तीर्थंकर उस मार्ग से नहीं हो सकता लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपने को नहीं जान सकते क्योंकि सत्य तो सबके भीतर है और जब ठीक से देखना तुम भी सत्य को जान लो मैं भी सत्य को जान लो सत्य एक ही होगा सत्य अलग नहीं इसीलिए तो तुम तुम्हारा हृदय तुम्हारी आत्मा कह देगी कि यह व्यक्ति गुमराह कर रहा है देखना ठीक से तुम्हें पता चल जाएगा संसार में भी कोई बात कोई व्यक्ति तुमसे चिटिंग कर रहा है और यह तो जब मैं आंख तुम्हारी ओर मोड़ दूंगा तुम आराम से पकड़ लोगे कि ये जो बात मैं कह रहा हूं वो मैंने जानी नहीं खाली ऐसे ही ऊपर ऊपर से कह रहा हूं क्योंकि सत्य का वचन ऐसा होगा कि कितना ही मैं गड़बड़ बोलू कितना ही गड़बड़ कितनी ही देशी भाषा उपयोग करूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ठीक से मैंने सत्य जाना है तो तुम्हारी आत्मा आकर्षित हो जाएगी अगर मैंने सत्य जाना ही नहीं खाली मैं ऊपर ऊपरी वेद की बातें कर रहा हूं संस्कृत श्लोक बोल रहा हूं ऐसी वैसी बातें कर रहा हूं खाली तुम्हारे तुम्हें इंप्रेस करने के लिए तुम्हारा मन मुझसे इंप्रेस हो जाए या तुम मुझे मान दो ऐसा मेरा भाव है भीतर तुम्हारी आत्मा नहीं मानेगी मन मान सकता है अगर तुम अभी आत्मा के रेंज पर नहीं आए अभी तुम मन में ही हो अभी तुम्हें ठीक से पीड़ा ने घेरा नहीं जीवन में ठीक से तुम संताप से निकले नहीं पीड़ा से ठीक से निकले नहीं पीड़ा को ठीक से जाना नहीं तो अभी तुम इंप्रेस हो सकते हो लेकिन ठीक से तुमने पीड़ा को जाना संताप को जाना निराशा को जाना दुख को जाना तो तुम्हें ऐसे वचन की तलाश होगी कि जो तुम्हें सच में अमृत का स्वाद चखाए तुम्हें आत्मा के संपर्क में लाए चाहे वो कितना ही देशी भाषा में बोलता हो लेकिन वचन तुम्हें तुम्हारे आत्मा के संपर्क में ला देंगे और वही वचन तुम्हें अच्छे लगे जब तुम्हें भूख लगी हो तो तुम्हें रोटी चाहिए खाली रोटी का कोई चित्र होगा तुम्हें नहीं चलेगा तुम्हें भूख लगी और मैं कहता हूं देख लो ये रोटी का चित्र है ये खाने से मैं विज्ञान समझाओ इसमें कुछ नहीं होता ये रोटी तुम खा लोगे तरह ऐसे डाइजेशन होगा उसमें से शक्ति होगी विज्ञानिक ये कह रहे तुम उस बात में नहीं जाओगे तुम रोटी खोजोगे कि नहीं मुझे रोटी चाहिए बस चाहे गरीब के घर गर की रोटी हो लेकिन जो गुमे हैं ये बात से सहमत हो जाएंगे कि कितनी मीठी लगती है जब तुम्हें भूख लगी है और तुम भिखारी के साथ बैठकर भी जो रोटी खाई है वो स्वाद तुम्हें घर में नहीं आया होगा जिसका अनुभव होगा वो जानेंगे हाँ ये बात सच है इस तरह सिद्धर्म अगर तुमने ठीक से भीतर पीड़ा जानिए मन की संताप जाना है तो तुम्हें सत्य वचन चाहिए और सबके पास ये प्रमाण माप है अपने भीतर अपनी आत्मा है तो वो पकड़ लेगा कि ये बात ठीक है या गलत है और जब हम धर्म के रास्ते पर निकलते हैं तो ये बात समझनी है कि ये कभी ऐसा भाव से आप आगे नहीं जा सकते कि तुम्हारा जो होना हो हो सब सुख मुझे मिल जाए जरूर काम हमें अपने पर करना है स्वार्थी हो जाना है एक अर्थ में स्व का अर्थ खोजना है अपने भीतर स्व का अर्थ खोजना है स्वार्थी शब्द का भी गलत उपयोग हो रहा है स्वार्थी शब्द का अर्थ है अपने को खोजो अपने की खोज करो स्वार्थी जरूर हो जाए लेकिन भाव कल्याण का होगा कि सारे जीव जिस तरह से मैं दुख पीड़ा संताप में था मुझे एक भी किरण मिल गई यात्रा की और मैं उस संताप से आगे जा रही मेरी गाड़ी थोड़ी भी आप समझो कि आप एक मिलीमीटर भी ऊपर उठे पृथ्वी से तो जरा आप सोचना सोचकर देखना कि आपका शरीर खाली एक मिलीमीटर आप उठा सकते हो पृथ्वी से ऊपर तो यह कितनी सिद्धि है कितनी मजा है तो आपका जीवों के लिए ये कल्याण आएगा जैसे जैसे आप अपना कल्याण करते जाओगे भीतर शुद्धि होती जाएगी आपके भीतर एक भाव जगता जाएगा कि मैं जिस पृथ्वी आपके आपके भीतर ऐसे ऐसा भाव आएगा कि मैं एक नहीं देखना आप ठीक से देखना ये बात कि सबको मिले सब सुखी हो जाए सब कल्याण को प्राप्त हो जाए और वेद की एक प्रार्थना थी बहुत सुंदर प्रार्थना सुंदर सूत्र ऋग्वेद का आनोभद्राह कृत्व यंतु विश्वत <coughs> सर्व दिशाओं से सारी दिशाओं से हमें शुभ भाव प्राप्त हो सारी दिशाओं से और हमारे भीतर से भी और जैसा शुभ भाव आप लोगे तो भीतर से कल्याणकारी भाव प्रकट होगे। अगर जगत के और आप कल्याण का भाव दोगे खाली विचार के माध्यम से समझो कि आपके भीतर से अभी भाव नहीं आ रहा आप ऐसा कह सकते हो कि नहीं अभी मुझे ऐसा भाव नहीं आ रहा कि सबका कल्याण हो फिर भी आप शब्दों से खाली बोलो कि सर्व जीवों का सर्व दिशाओं में कल्याण तो वो ऐसे जाता ही नहीं वो विज्ञान का नियम है आप जो दोगे संसार को वही वापिस पाओगे वापिस लौटेगा समझ लो कि एक दीवार पर आप गेंद को मारते हो तो गेंद ही वापिस आती है आपके आपके ऊपर गेंद ही आती है इस तरह से आप जो भावना प्रकट करोगे जगत की ओर वही भावना आपको प्राप्त होती जाएगी ये जो विज्ञान था उसको धीरेन्द्र मुनि ने किस तरह से लिया क्योंकि यह बात आज नृत्यकार चूक गए तरंगम था उसका भावनात्मक भाग ये था कि सर्व दिशाओं में सर्व जीवों का कल्याण हो एक भाव यह था कि सर्व दिशाओं में और ये तुम स्वयं अनुभव कर सकते हो और थाली आज कोई मेरे लिए एक समय में थाली बहुत डिफिकल्ट बात थी उसको लेना आगे भी मैंने बताया लेकिन आज थाली तुम्हारे लिए कोई अगरी बात नहीं तुम कहोगे गुरु जी एक थाली चाहिए मैं रख दूंगा करो सुबह शाम जब समय मिले थाली पर थोड़ा सर को चार दिशाओं में घूमो कोई अगरी बात नहीं सब कर सकते आपका रस ये तो मैं विज्ञान कहता हूं तो तरंगम का विज्ञान था भावात्मक विज्ञान कि उसमें नृत्यकार जो नृत्य के माध्यम से आगे जा रहा है तो वो सर्व दिशाओं में कल्याण की भावना को प्रकट कर देता था कि सारी दिशाओं में सब दिशाओं में कल्याण हो इसकी मुख्य दिशाएं मानी जाती है सब जानते हो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये मुख्य दिशा और उसमें ध्यान में लेना है पूर्व जहां से सूर्य प्रकट होता है पूर्व से आप दिशा को जानो तो पूर्व जहां से <स्थिया> शक्ति का प्रागट्य होता है भौतिक शक्ति का प्रागट्य होता है इसलिए पूर्वक के सामने मुख्य रखकर बाकी की दिशा आप निश्चित कर सकते हो तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मुख्य दिशाएं ईशान अग्नि नैत्य वायव्य उप दिशाएं कही जाती है जो 90 डिग्री के बीच 45 डिग्री का जो पार्ट होता है वो ईशान अग्नि नैत्य वायव्य और एक ऊपर की दिशा जो त्रिनेत्र की ओर जाती है सहस्त्र चक्र की ओर आकाश की ओर जाती है एक ये दिशा नौमी ये दिशा एक दिशा अधोगामी जो पृथ्वी की ओर जाती है तो तरंगम दस दिशाओं का पूजन था यह बात नृत्य में आप नहीं पाओगे जैसे आप नृत्य सीखने जाओ नृत्यकार से आप ये प्रकट नहीं हो सकता क्योंकि धर्म से यह भाग छूट गया असल में यह जो प्रार्थना थी वो इस तरह से थी क्योंकि तुम थाली पर आ गए थाली पर तुमने ठीक से वर्क किया है तो तुम्हारा पूरा शरीर अंडाकार होगा शरीर की जो विद्युत है वो अंडाकार जिस तरह से अंडा कैसे घूमता है अंडा को आप घुम आप खाली कल्पना करो कि अंडे को आप घुमाते हो इस तरह से शरीर की विद्युत आठों दिशा में घूमेगी और एक भाग जो आपका मस्तिष्क है वो ऊपर की ओर रहेगा और अंडा का जो नीचे का भाग है वो इस तरह से पैर हो जाएंगे क्योंकि पैर दोनों थाली पर है अब अलग अलग नहीं हो सकते पैर साथ साथ है तो अंडा का जो नीचे का भाग है वो धरती का और ये असीम अंडा है ये कोई सीमित अंडे की मैं बात नहीं कर रहा हूं ये तो विस्तार तुम्हारी शक्ति कितनी प्रकट होती जाती रही है भीतर से कितना उतना तुम भीतर महसूस करते जाओगे कि तुम स्वयं विस्तार की ओर जा रहे हो और श्लोक था कि सर्व दिशाओं से हम शुभ भाव प्राप्त करें जो थाली पर अगर आप देखोगे मुझे तो अलग अलग दिशाओं में मुख घूमता है मुख्य दिशाओं में घूमता है उपदिशाओं में घूमता है विज्ञान इतना ही है कि भीतर से कि सारी दिशाओं में सबका कल्याण हो और सभी दिशाओं से मुझे रचनात्मक शक्ति प्राप्त हो कल्याणकारी शक्ति प्राप्त हो जिससे मैं अपना तो कल्याण कर ही सकू सर्वजीवों का कल्याण कर सकूँ, ये तरंगम का मुख्य भाव था आप और मैं हम सब मृत्यु लोक के यात्री हैं, आज नहीं तो कल हमें यह मृत्युलोक ये, ये पृथ्वी छोड़कर जाना है अगर जाना ही है तो क्यों हम हताश निराश संतापित हृदय के साथ लौटे क्यों न हंसते हाँ? परमात्मा के गुण गाते गाते इस दिव्य लोक से विदा हो हर मनुष्य हंसता नाचता गाता जीवन की ये अमूल्य यात्रा पूर्ण करे इस भावना के साथ प्रार्थना के साथ मुझसे जो बोला आपसे जिसने सुना उस परम दृष्टा स्वरूप परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूँ मेरा वंदन स्वीकार करे अस्तु